समाजवादी पार्टी के गढ़ मैनपुरी के विधानसभा किशनी के दिल्ली पब्लिक स्कूल में आयोजित भारतीय जनता पार्टी की महारैली में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह ने राम मंदिर समारोह में अखिलेश एवं डिंपल के शामिल न होने पर मंच के माध्यम से बयान दिया और जमकर तंज कसते हुए जमकर निंदा की। अमित शाह के बयान का पलटवार करते हुए बोले डिंपल यादव, ये चुनाव जो हमारे सभी वर्ग है जिनको वचन दिया जाता था, वादे किए गए थे, ये चुनाव उसे बचाने का है जहाँ युवा बेरोजगार है, किसान आहत है, जहाँ दिल्ली को छावनी की तरह तब्दील कर देते हैं कि किसान अपनी MSP की मांग भी पूरी ना कर पाए, दबाव की राजनीति का जो दौर चल रहा है, भाजपा सरकार में इस दौर को यह हटाने का चुनाव है। वन रैंक वन पेंशन OROP की जो बात है वो सभी झूठी है, इनकी एक पर्दा है। अगर आप सच्चाई से जानेंगे तो जो ORP का वादा किया गया था वो भी झूठा है। अग्निवीर जैसी योजना लाकर के देश का सम्मान गिराने का काम किया। जो लोग जवानों का सम्मान नहीं कर सकते, जो लोग फौज का सम्मान नहीं कर सकते, तो वो लोग देश की बात ना करें। बुलबार करते हुए क्या कुछ चोर कहा, देखे रिपोर्ट। अमित शाह जी की रैली में उन्होंने कहा है कि ये चुनाव राम मंदिर बनवाने वालों का और भक्तों को गोली चलवाने वालों का। मैं समझती हूँ ये चुनाव जो हमारे सभी वर्ग हैं, जिनको वचन दिया गया था, जिनको वादे किए गए थे, ये चुनाव उस बात का है जहाँ आज युवा बेरोजगार है, जहाँ किसान आहत है, जहाँ दिल्ली को छावनी की तरह तब्दील कर देते हैं कि किसान अपनी MSP की मांग भी पूरी ना कर पाए, जो दबाव की राजनीति का जो दौर चला है भाजपा की सरकार में, इस दौर को हटाने का यह चुनाव है जहाँ सभी वर्ग, जहाँ हमारी महिलाएं हो, चाहे हमारे युवा हो, चाहे हमारा किसान हो और चाहे हमारे जवान हो, आज सभी अपने आप को कहीं ना कहीं आहत महसूस कर रहे हैं। और जो ये वन रैंक वन पेंशन OROP की जो बात है वो भी झूठी है, इनकी एक पर्दा है। अगर आप सच्चाई से जानेंगे तो आपको पता चलेगा कि OROP का जो वादा किया हुआ था वो भी झूठा है। बीजेपी की रैलियों में एक पोस्टर वायरल हो रहा है, उसमें लिखा है कि एक आपका वोट लास्ट लोग को चलेगा। ऐसा चलते जो लोग अग्निवीर जैसी योजना लाते हैं, कहीं ना कहीं उन लोगों ने पूरे देश का, पूरे राष्ट्र का सम्मान गिराने का काम किया है। जहाँ आप हमारे जवान जो 4 साल नौकरी करते हैं, सरहदों की रक्षा करते हैं, आप 4 साल में उनको घर बिठा देंगे, तो मैं समझती हूँ कि जो लोग जवानों का सम्मान नहीं कर सकते, जो लोग फौज का सम्मान नहीं कर सकते हैं, तो वो लोग देश की बात ना करें। दो फेज के चुनाव हो गए, मंच से योगी जी उन्होंने कहा है, अमित शाह ने, कि मोदी जी दो फेज के चुनाव में सेंचुरी लगा चुके हैं, अगले फेज का भी पता नहीं चला। प्रदेश के क्या कहा था उन्होंने, कहा था कि नहीं, प्रदेश विपक्ष का भी किसी भी मतलब एक भी खाता नहीं। ये बात अपने आप में खेने पे ही मैं समझती हूँ ये झूठ साबित होती है, और ये लगातार झूठ बोलते आ रहे हैं और लगातार झूठ बोलते ही रहेंगे, और इनकी तीत थक नहीं रहे हैं झूठ बोल के, लेकिन अब जनता समझ गई है कि इन झूठ बोलने वाली सरकार को हटाना है। लेकिन वोट बैंक मैं समझती हूँ ये बात ऑलरेडी क्लियर है कि कोई निमंत्रण नहीं आया था, ना डिंपल जी को आया था, ना अखिलेश जी को आया था, और इस तरह की बातें करके वो मुद्दों से ध्यान ना भटकाएं। और जब हमें राम बुलाएंगे तो हम अयोध्या जरूर जाएंगे, हम वृंदावन जाएंगे, हम बद्रीनाथ जाएंगे, हम केदारनाथ जाएंगे, हम जगन्नाथपुरी जाएंगे, हम द्वारका जाएंगे। अमित शाह की रैली को मैनपुरी में आप किस तरह से देखती हैं? मैनपुरी में चुनाव आप लड़ रही हैं, जयवीर सिंह के समर्थन में अमित शाह आए हुए थे, कितना प्रभाव डाल दे पाएंगे मैनपुरी में? मैं समझती हूँ कि हमारे आदरणीय मंत्री जी को बहुत सारे सहारों की जरूरत पड़ रही है, तो अच्छी बात है, चुनाव लड़िए, हम जनता के बीच जाके अपना चुनाव लड़ रहे हैं। आज हम खास में जेल में प्रयोग करके वोट को बांटना चाहते हैं, लेकिन आज सभी वर्ग जान चुके हैं कि किस तरह लोकतंत्र और संविधान की कहीं ना कहीं हत्या की जा रही है लोगों के माध्यम से, और देश चाहता है कि लोकतंत्र और संविधान के माध्यम से हमारा राष्ट्र चले।